नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एनसीईआरटी 11th क्लास की हिस्ट्री का 7वें नंबर का चैप्टर चल रहा है और यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे पॉट होल से और प्लंज पूल से। क्या होते हैं ये पॉट होल्स और प्लंज पूल्स? बेसिकली इरोजनल लैंड फॉर्म्स हैं। अगर आप बात करो तो हिल स्ट्रीम के रॉकी बेड्स के ऊपर कुछ सर्कुलर डिप्रेशंस बन जाते हैं जिनको बोला जाता है पॉट होल्स। क्यों बनते हैं? स्ट्रीम के इरोजन के चलते। तो देखिए, अब आप सोचिए कि किसी एक पर्टिकुलर नदी का पानी बहुत तेजी से बह रहा है। अब कोई तो एक पर्टिकुलर नदी के बेड में जगह होगी जहाँ पे वो पानी बहुत तेजी से इम्पैक्ट मार रहा होगा, और ये जो इम्पैक्ट है वो उस सिनारियो में बहुत तेज हो जाता है कि जब मान लीजिए एक उठी हुई क्लिफ के ऊपर से कोई वाटरफॉल हो रहा है और वो वाटरफॉल जहाँ पे जमीन को बार बार तेजी से मार रहा है, वहाँ ऑब्वियसली बात है जमीन पे फर्क पड़ेगा। अभी भले कितनी भी स्ट्रांग चट्टान हो, लेकिन हजारों सालों से एक ही जगह पे ये वाटरफॉल उस चट्टान पे जोर मार रही है तो कुछ तो फर्क पड़ेगा ना चट्टान के ऊपर। प्लस यहाँ पे एब्रेशन ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स भी है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रीम्स हैं, ये जो नदियाँ हैं, ये इरोजन कर करके छोटे छोटे रॉक के पेबल्स, सिल्ट अपने साथ इतने लंबे डिस्टेंस से बहाते हुए ला रहे हैं। वो जो सिल्ट है, वो जो पेबल्स हैं, वो जो रॉक फ्रेगमेंट्स हैं, वो भी तो ज़मीन के चारों तरफ घिस रहे हैं लगातार। तो ऑब्वियसली बात है इसके कम्बाइंड इफेक्ट के चलते ये पॉट होल्स और प्लंज पूल्स बनते हैं। ये पॉट होल्स और प्लंज पूल्स कैसे दिखते हैं ये मैं भी आपको दिखाता हूँ। फिर देखिए क्या बोला जा रहा है। वंस अ स्मॉल एंड शैलो डिप्रेशन फॉर्म्स, पेबल्स एंड बोल्डर्स गेट कलेक्टेड इन दोज डिप्रेशंस एंड गेट रोटेटेड बाई फ्लोइंग वाटर एंड कॉन्सिक्वेंटली द डिप्रेशंस गोज इन डायमेंशंस। अ सीरीज ऑफ सच डिप्रेशंस इवेंचुअली जॉइन एंड द स्ट्रीम वैली गेट्स डीपेंड। क्या होता है यहाँ पे देखिए, किस प्रकार के पॉट होल्स बनते हैं, कुछ इस प्रकार के पॉट होल्स बनते हैं और ये अक्सर कर आपको रिवर बेड्स में देखने को मिल जाएंगे। नदी जब बह रही होती ना तो इस प्रकार के बहुत से खड्डे नदियों में बहते जाते हैं। एक और पॉट होल दिखाता हूँ, ये देखिए। अब इस पॉट होल के अंदर छोटी छोटी चट्टाने, रॉक्स, बोल्डर्स भरे हुए हैं। अब कस के जब पानी इनके ऊपर बहता है तो इन गड्ढों में जो पानी जमा हुआ है, जो छोटे छोटे रॉक के टुकड़े जमा हुए हैं ना, वो कस के घूमते रहते हैं और घूमते रहने के चलते बहुत लंबे समय तक वो इंटरनली इरोजन करते रहते हैं। अब सोचिए, ये पॉट होल बड़ा होता जाएगा, ये पहले छोटे रहे होंगे, फिर बड़े होते जाएंगे, ये बढ़ बढ़ के ये दो मिलेंगे, फिर ये दो इससे मिल जाएंगे, तीसरे से चौथा भी मिल जाएगा, कुछ दिन बाद पांचवा भी मिल जाएगा। ये सब मिल मिल के जो डिप्रेशन है, जो गड्ढा है, वो गड्ढा बड़ा होता चला जाएगा। और जैसे जैसे वो गड्ढा बड़ा होता चला जाएगा, एक पूरे इलाके का जब गड्ढा बड़ा हो जाएगा तो आप उसको बोलोगे डीपनिंग ऑफ द वैली। समझिए, तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि जो वैली होती है ना, वो वैली डीपन होती चली जाती है। एक वैली के फॉर्मेशन में ये एक स्टार्टिंग प्रोसेस हो सकता है। तो ये जो पॉट होल्स हैं, इससे कहीं ना कहीं शुरुआत होती है और ये पॉट होल्स बड़े होते जाते हैं, वो डिप्रेशंस बढ़ते जाते हैं और वो जो स्ट्रीम की वैल्यू है वो चौड़ी होती जाती है और नीचे गहरी भी होती जाती है। फिर देखिए आगे क्या बोला जा रहा है। एट द फुट ऑफ वाटरफॉल्स ऑल्सो लार्ज पॉट होल्स क्वाइट डीप एंड वाइड फॉर्म बिकॉज ऑफ द शेयर इम्पैक्ट ऑफ द वाटर। जैसा कि मैंने बताया, वाटरफॉल गिर रही है। अभी वाटरफॉल के गिरने के चलते किसी एक पर्टिकुलर जगह की चट्टान पे इतना प्रेशर बन रहा है कि आप देखोगे कि वहाँ पे वो चट्टान टूट टूट के कहीं ना कहीं गड्ढा करने लगेगी। जब गड्ढा करने लगेगी तो वहाँ पे बहुत सारा पानी जमा हो जाएगा। आप अक्सर कर देखोगे कि वाटरफॉल्स के बगल में एक बड़ा सा डिप्रेशन होता है, उसमें लोग तैरते हैं, नहाते हैं। अब जैसे कभी आप गोवा घूमने गए हो तो गोवा के पास एक दूध सागर वाटरफॉल्स है, या किसी भी और बड़े वाटरफॉल की बात कर लीजिए, उस बड़े वाटरफॉल के बगल में आपको एक बहुत बड़ा सा पूल नहाने का दिखेगा। वो नहाने वाला पूल कैसे बना है? कभी आप मसूरी गए हो तो मसूरी में कैंपटी वाटरफॉल्स है, तो वो सब आप देखोगे कि कैसे बन रहे हैं, वो वाटरफॉल्स किस प्रकार से बन रहे हैं। तो हो ये रहा है कि पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है और नीचे की चट्टान को इरोड करके वहाँ एक खड्डा बना दे रहा है, उस खड्डे में पानी भर जा रहा है और वहाँ पे प्लंज पूल बन जाता है। वहाँ पे लोग पिकनिक स्टॉक बना के नहाने आने लगते हैं। ये देखिए, पानी इतना ऊपर से गिर रहा है, नीचे चट्टानों को इरोड कर रहा है, यहाँ पे जगह बन रही है, पानी स्टैटिक जमा हो रहा है, इसमें लोग कूद काद के अपना नहाने लगते हैं, इसको पिकनिक स्पॉट में बदल देते हैं। तो ये प्लंज पूल्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनसाइज्ड और एंट्रेंच्ड मेंडर की। उसके आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर ना किया, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में चाहिए, वहाँ पे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी कंप्लीटेड है, स्पेक्ट्रम मॉडर्निस्टी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीटेड है, रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स, सतीश चंद्रा की मीडियो हिस्ट्री बन रही है, एनसीईआरटी 6 से 12th की किताबें बन रही है। थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं, जितना जल्दी हो सकेगा मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे अच्छे लगे तो सबके लिए वीडियो बनाऊंगा।
साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको मेरे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाएंगे। और आप मेरी वेबसाइट पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वेबसाइट पे मैं डेली के बेसिस पे करंट अफेयर्स बनाता हूँ। आप वेबसाइट पे जब जाओगे तो रीसेंट अपलोड्स में डेट वाइज आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, जैसे कि आज की डेट में 5 जून के 6 आर्टिकल्स अपडेटेड हैं, साथ साथ 3-4 आर्टिकल्स अभी थोड़ी देर में और अपडेट होंगे। तो इस प्रकार से लेटेस्ट जो आर्टिकल्स हैं मेरी वेबसाइट पर अपडेट हुए वो आपको मेरी वेबसाइट के होम पेज पर मिल जाएंगे, harshitdwivedi.com पे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स हैं जो टेलीग्राम पे मैं PDF अपलोड करता हूँ, उसके अलावा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इन आर्टिकल्स में। तो एक होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप यहाँ पे आके इनको पढ़ते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत से और काफ़ी रिसर्च के बाद इन आर्टिकल्स को बनवाता हूँ। अब शुरुआत करते हैं इनसाइज्ड और इंट्रेंच्ड मीएंडर्स से। अब देखिए इनसाइज्ड और इंट्रेंच्ड मीएंडर्स क्या होते हैं। सबसे पहले मीएंडर्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो स्ट्रीम्स रैपिडली बहती हैं स्टीप ग्रेडियंट के ऊपर, वहाँ पे जो नॉर्मली इरोजन होता है, इट इज कंसंट्रेटेड ऑन द बॉटम ऑफ द स्ट्रीम चैनल। पढ़ देता हूँ फिर आपको इकट्ठे समझाऊंगा, हालांकि वही चीज है जो मैंने पिछले वीडियो में समझाई थी। फिर लिख रहे हैं, ऑल्सो इन द केस ऑफ स्टीप ग्रेडियंट स्ट्रीम्स द लैटरल इरोजन ऑफ द साइड्स ऑफ द वैलीज इज नॉट मच व्हेन कंपेयर टू द स्ट्रीम्स फ्लोइंग ऑन जेंटल एंड लो स्लोप्स बिकॉज ऑफ द एक्टिव लैटरल इरोजन स्ट्रीम्स फ्लोइंग ओवर जेंटलर स्लोप्स डेवलप साइनस और मेंडरिंग कोर्सेस। समझिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आपको एक प्रॉपर फिगर दिखाना पड़ेगा इस पर्टिकुलर चीज को समझाने के लिए। हाँ, मान लीजिए कोई नदी इस साइज इधर बीच से बहती हुई आ रही है, ठीक है ना, यहाँ पे जो दो माउंटेन्स के बीच का खोपचा है यहाँ से नदी बहती हुई आ रही है। आप समझिए माउंटेन्स में जब नदी बहती है ना तो उस माउंटेन में ग्रेडियंट होता है, स्टीप ग्रेडियंट होता है। स्टीप ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि भाई माउंटेन रेंज ऐसी होगी और यहाँ से बीच से नदी बह रही होगी और वो ऐसे बह के आ रही होगी, मतलब एक स्लोप के ऊपर बह रही होगी, एक ढलान के ऊपर बह रही होगी। और जब नदियाँ ढलान के ऊपर बहती हैं तो उनके ऊपर गुरुत्वातत्व काम करता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पानी को बहुत तेजी से बहाता है, तो पानी की काइनेटिक एनर्जी तेज होती है। तो क्या लगता है कि तेज काइनेटिक एनर्जी के चलते ये नदियाँ इन पहाड़ों को इस डायरेक्शन में काट पाएंगी? समझ गए, पहाड़ों को इस डायरेक्शन में काटना लैटरल इरोजन होता है। जिस सरफेस के ऊपर से नदियां बह रही हैं उस सरफेस की बेड को तो ये नदियां काट ही रही हैं। मान लो ये बेड है और इसके ऊपर वो नदी बह रही है, तो इस बेड पे तो इरोजन वो नदी कर ही रही है, लेकिन इस बेड से राइट साइड पे जो माउंटेन की चोटी ऊपर उठी है, लेफ्ट साइड पे जो माउंटेन की चोटी ऊपर उठी उस पर इरोजन नहीं कर पा रही। मतलब कि जहाँ पे स्टीप ग्रेडियंट है, जहाँ ज़्यादा ढलान है, वहाँ पे लैटरल इरोजन नहीं हो रहा है। लैटरल इरोजन मतलब साइड के पहाड़ों को काटना, ये नहीं हो रहा है। और ये होता है जब भी एक्टिव आप कह सकते हो स्टीप ग्रेडियंट होगा, तो स्टीप ग्रेडियंट के ऊपर लैटरल इरोजन नहीं होगा। लेकिन जब वो नदी पहुंच जाएगी लो स्लोप्स में, जेंटल स्लोप्स में, तो जेंटल स्लोप में वो नदी अपने बेड को तो काटेगी काटेगी, वो लैटरल इरोजन भी करेगी। समझ गए, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ तेजी से खींच नहीं रही, वो नदी बड़े आराम से बह रही है। और जब वो आराम से बह रही है तो वो सीधे भी जाएगी, वो टेढ़ी भी जाएगी, वो मेढ़ी भी जाएगी, उस टेढ़ी मेढ़ी के चलते लैटरल इरोजन भी होगा। तो जहाँ पे स्टीप स्लोप्स होते हैं वहाँ पे लैटरल इरोजन नहीं होता है, जहाँ पे जेंटल स्लोप्स होते हैं वहाँ पे लैटरल इरोजन होता है। अभी जब लैटरल इरोजन होगा तो कोई तो एक पर्टिकुलर जगह इस नदी को मिलेगी जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इरोजन करेगा, और इरोजन करने के बाद उस जगह पे वो काट देगी नदी और हो सकता है अपना कोर्स बदल ले। इसलिए आप देखोगे कि प्लेन्स में या फिर कोस्टल इलाके के पहुँचने के पास ये जो नदियाँ हैं बहुत मीएंडर कर रही होती हैं, बहुत घूम के जा रही होती हैं। क्यों? चूँकि लैटरल इरोजन किसी कमजोर जगह पे बहुत लंबे समय से अगर एक नदी कह रही है तो लैटरल इरोजन करके वहां पे अपनी जगह बना के अपने लिए वो नदी उस डायरेक्शन में बह जाएगी, क्योंकि लैटरल इरोजन कर रही है वहां पे। पहाड़ों पे लैटरल इरोजन हो ही नहीं रहा था, तो पहाड़ों पे एक ही डायरेक्शन में इरोजन हो रहा था। और कहीं ना कहीं प्लेन्स में मीएंडरिंग कोर्सेज होता है, चूंकि लैटरल इरोजन प्लेन्स में हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी पानी को नहीं खींच रहा, तो पानी अपनी स्पीड से बह रहा है और लैटरल इरोजन करते हुए बह रहा है। इसलिए बहुत कॉमन है मीएंडरिंग कोर्सेज को देखना ओवर फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टा प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स मैंने पिछली वीडियो में समझाए हैं, अभी आगे भी आएंगे। डेल्टा प्लेन्स क्या है? डेल्टा प्लेन्स मतलब कि भाई डेल्टा क्या होता है, जब एक नदी बहुत सारे सिल्ट के साथ जाके ओशन में गिर जाती है तो वहाँ पे डेल्टा बनता है, तो उससे पहले आसपास का जो इलाका होता है उसको आप डेल्टा प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टीम का जो ग्रेडियंट होता है, जो ढलान होती है जिसके ऊपर नदी बह रही होती है, वो बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं होता, वो बहुत जेंटल होता है, तो उसके ऊपर आराम से नदी बह रही होती है। ओके, ये सब बातें यहाँ पे बताइए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऊंची और हार्ड चट्टानों के बीच में से भी ये नदियां रास्ता बनाते चली जाती हैं, और जब ऊंची और हार्ड चट्टानों के बीच से नदियां रास्ता बनाते हुए जाएंगी तब बोला जाएगा इनसाइज्ड और इंट्रेंच्ड मीएंडर्स।
मतलब कि ऐसा नहीं है कि पहाड़ों में किसी ऊंची चट्टान के बीच से कभी कोई मीएंडर बनेगा ही नहीं, बनता है। जब ऐसा मीएंडर बनता है तो इनसाइज्ड और इंट्रेंच्ड होता है। ये बहुत कॉमन नहीं होते बट ये होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ दिखाता हूँ, दिस इज बेसिकली एन इनसाइज्ड मीएंडर, ठीक है। चलिए ये तो उतना ठीक सा नहीं लगा मेरे को, एक सिंगल यहाँ देख लीजिए। ओके, दिस इज बेसिकली एन इनसाइज्ड मीएंडर। यहाँ से आपको देखिए ऊंचे दो पहाड़ हैं, उस पहाड़ों के बीच से काटती हुई नदी निकलती आ रही है और मीएंडर कर रही है, ठीक है ना भाई। तो इसको आप बोलोगे इनसाइज्ड मीएंडर्स या इंट्रेंच्ड मीएंडर्स। आगे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी जो आपको मीएंडर दिख रहा है ना, दिस इज ऑल्सो एन इंट्रेंच्ड मीएंडर लूप ऑन रिवर कोलोराडो। ये रिवर कोलोराडो में है, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज रिवर टेरेसेस। रिवर टेरेसेस की बात कर लेते हैं, क्या होते हैं रिवर टेरेसेस। रिवर टेरेसेस आर सर्फेसेस, पहले मैं पढ़ देता हूँ फिर समझा देता हूँ, आसान रहता है। रिवर टेरेसेस आर सर्फेसेस मार्किंग ओल्ड वैल्यू फ्लोर और फ्लड प्लेन लेवल्स। यहाँ मैं पढ़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि एक एक लाइन एक एक शब्द एनसीईआरटी ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दे मे बी बेड रॉक सर्फेस विदाउट एनी एल्यूवियल कलर और एल्यूवियल टेरेसेस कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रीम डिपॉजिट्स। रिवर टेरेसेस आर बेसिकली प्रोडक्ट्स ऑफ इरोजन एज द रिजल्ट ड्यू टू वर्टिकल इरोजन ऑफ द स्ट्रीम इनटू इट्स ओन डिपॉजिशनल प्लेन। There can be a number of terraces at different heights indicating former river bed levels. The river terraces may occur at same elevation on either sides of the rivers in which they are called paired terraces. नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है नहीं समझ में आया होगा, अभी एकदम सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसको देखो, आपको बीच में इस T4 के ऊपर, T4 को आप एक सरफेस मान लो, उसी तरीके से T3 यहाँ एक सरफेस है, T2 एक सरफेस है, T1 एक सरफेस है। इस फिगर को ही देख के लग रहा है ये जो सर्फेसेस हैं ये अलग अलग हाइट पे हैं। सबसे नीचे है T4 सरफेस और इस T4 सरफेस के ऊपर एक नदी बहती हुई आ रही है, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी T4 सरफेस के थोड़ा ऊपर T3 सरफेस है, T3 सरफेस के ऊपर थोड़ा ऊपर T2 सरफेस है, T2 सरफेस के ऊपर थोड़ा ऊपर T1 सरफेस है। तो पहले क्या रहा होगा कि जो T1 सरफेस है ये पूरी की पूरी कंटिन्यूस सरफेस रही होगी और इसके ऊपर रिवर बहती होगी, फिर कहीं ना कहीं रिवर ने वर्टिकल इरोजन किया होगा। आप समझिए ये वर्टिकल इरोजन का यहाँ पे क्या कांसेप्ट है। मान लीजिए ये था T4, ओके, ये सरफेस थी। अभी T4 सरफेस के बीच में यहाँ पे इरोजन करके नया फ्लड प्लेन बनाया, इसको आप बोल सकते हो T3। फिर इरोजन करके यहाँ पे एक और फ्लड प्लेन बनाया T2। फिर इरोजन करके यहाँ पे एक और फ्लड प्लेन बनाया T1। तो पहले रिवर इस T4 वाले लेवल पे बह रही थी, फिर T4 वाले लेवल पे थोड़ा और इरोजन हुआ, लैटरल मतलब वर्टिकल इरोजन हुआ वहाँ पे। अभी आप समझो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इरोजन में क्या फर्क होता है, ठीक है। जब नदी का इरोजन एक पर्टिकुलर सरफेस की डेप्थ को बढ़ाने लग जाए, उसकी गहराई को कम करने लग जाए, इसको आप बोलते हो कहीं ना कहीं वर्टिकल इरोजन। मतलब मान लीजिए ये सतह है, अभी सतह के ऊपर से एक नदी बह रही है, लेकिन ये नदी जब इस सतह के कुछ पर्टिकुलर हिस्से को उखाड़ के अपने साथ बहा ले जाए तो नीचे एक गड्ढा दिख जाएगा। मतलब एक गड्ढा इस नदी में बना दिया, इस गड्ढे के पैरेलल जो भी सामान था उसको इरोड करके नदी ले गई। तो दिस इज बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ वर्टिकल इरोजन। होता यह है कि एक रिवर का फ्लड प्लेन बनता है। फ्लड प्लेन मैंने आपको बताया है कि एक नदी माउंटेन से इरोजन कर करके सिल्ट और सेडिमेंट लेके आती है, वो सिल्ट और सेडिमेंट किसी एक बड़े से इलाके में जमा कर देती है और वो उससे बन जाता है फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन मैंने पिछले वीडियो में समझा रखे। अभी इसी फ्लड प्लेन के अंदर बहुत लंबे समय तक नदी बहती रहती है और हो सकता है कि इस फ्लड प्लेन के कुछ इलाकों को फिर से नदी इरोड करके एक नया इलाका बना दे, थोड़ा डेप्थ पे बनाए। तो समझिए यहाँ पे जो फिगर आपको नजर आया था ना, सबसे पहले जो T1 वाली जो जमीन है मैंने थोड़ा यहाँ पे उल्टा दिखा दिया है, कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने इस वाले फिगर में T4 ऊपर दिखा दिया है, T3 नीचे, T2 नीचे, T1 नीचे। यहाँ पे कुछ T1 ऊपर नजर आ रहा था तो मुझे यहाँ पे आपको सबसे ऊपर वाली सतह T1 दिखानी चाहिए थी, फिर नीचे वाली T2, फिर नीचे वाले T3, फिर नीचे वाले T4। बहरहाल आप मेरे पॉइंट को समझ रहे होंगे। T1 T2 से मत कंपेयर करिएगा। ये जो T4 मैंने यहाँ पे दिखाया है वो एक्चुअली इस पर्टिकुलर वीडियो में T1 है। मतलब ये जो T1 वाली सतह थी ये सबसे पहले ओरिजिनल सतह ये थी, इसके ऊपर नदी बहती थी, फिर नदी ने थोड़ा इरोजन किया और T1 वाली कुछ सतह ऊपर रखी और नीचे T2 वाली सतह कंटिन्यूस थी, इसके ऊपर नदी बह रही थी। फिर T2 में भी थोड़ा इरोजन किया नदी ने, फिर T3 वाली लंबी सतह थी उसके ऊपर नदी बह रही थी, फिर T3 वाली सतह पे भी इरोजन किया नदी ने और फिर T3 भी ऊंचाई पे दिखने लगा और नीचे एक नई जमीन बन गई T4 जिसके ऊपर नदी बह रही है। तो T1 वो सबसे ऊपर वाला बेड था जिसके ऊपर नदी बह रही थी, उसका इरोजन हुआ, फिर T2 आया, फिर T2 का फिर इरोजन हुआ, फिर T3 का फिर इरोजन हुआ, फिर T4 पे पहुंच गए। अभी T4 का इरोजन हुआ, फिर नीचे T5 पहुंचेंगे। तो ये जो आपको अलग अलग T1 T2 T3 दिख रहे हैं ना,
दीज आर बेसिकली रिवर टेरेसेस। अभी एक साइड पे मिलेंगे तो एक टेरेस माना जाएगा, और यहाँ पे आपको दोनों साइड पे दिख रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, पेयर टेरेसेस। तो T3 दो है पेयर टेरेसेस, T2 दो पेयर टेरेसेस, T1 दो पेयर टेरेसेस, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया पेयर टेरेसेस। ये सब अभी आगे आएंगे। आई होप मैं जस्टिस कर पाया हूँ आपको चीज़ों को, थोड़ा सा भी अगर मैं यहाँ पे समझा पा रहा हूँ तो इनफ है। आगे बात करते हैं डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स की, एल्यूवियल फैंस की बात करते हैं। अभी एल्यूवियल फैंस क्या होते हैं? एल्यूवियल फैंस ये होते हैं जब नदी या फिर कोई स्ट्रीम किसी ऊंचाई से बहती हुई आ रही हो और नीचे आके वो छोटे छोटे, मतलब देखिए जब फुट प्लेन्स में पहुंचेंगे, मतलब एक पहाड़ की ऊंचाई से नदी बहती हुई आ रही है और जब वो पहाड़ के बिल्कुल बेस में पहुंच के प्लेन एरिया में एंट्री मारेगी तो वो जिस प्रकार के डिपॉजिट्स बनाएगी उसको एल्यूवियल फैन बोला गया है। यहाँ पे अगर एल्यूवियल फैन की मैं आपको फोटो दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से आपको एल्यूवियल फैन की फोटो नजर आएगी। ओके, तो दिस इज बेसिकली एन एल्यूवियल फैन। आपको दिख रहा है कि ऊपर से नदी नीचे आई और यहाँ पे बड़ा सा एल्यूवियल फैन बना रखा है इसमें। यहाँ पे भी आपको एक एल्यूवियल फैन दिखाया गया फोटो में, कुछ कुछ ऐसा ही आपको नजर आएगा। देखिए ये भी आपको एक एल्यूवियल फैन दिख रहा है और एक कोन की शेप में दिख रहा है आपको, ये बेसिकली दिस इज अ कोन, ठीक है। तो ये होते हैं आपके एल्यूवियल फैंस। फिर आप देखोगे कि इन एल्यूवियल फैन में आप देखो क्या लिखा हुआ है, नॉर्मली वेरी कोर्स लोड इज कैरीड बाई स्ट्रीम्स फॉलोइंग ओवर माउंटेन स्ट्रिप्स, दिस लोड बिकम्स टू हैवी फॉर द स्ट्रीम्स टू बी कैरीड ओवर जेंटल ग्रेडियंट्स एंड दस कम एंड स्प्रेड एज अ ब्रॉड लो टू हाई कोन शेप्ड डिपॉजिट्स कॉल्ड एल्यूवियल फैन। मतलब ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल ही आप कह सकते हो कि फुट प्लेन पे आके अगर कोर्स डिपॉजिट्स जमा हो रहे हैं तो वो डिपॉजिट्स कहीं ना कहीं थोड़े बड़े, थोड़े कोर्स डिपॉजिट, थोड़े बोल्डर्स टाइप के होंगे जो कि इस एल्यूवियल फैन वाली जगह पे जमा होंगे। फिर आप देखो कि जो जितना बड़ा एल्यूवियल फैन बनता है, ये जो स्ट्रीम्स हैं विच फ्लो ओवर द फैंस आर नॉट कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल चैनल्स फॉर लॉन्ग एंड शिफ्ट देयर पोजिशंस अक्रॉस द फैन फॉर्मिंग मेनी चैनल्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। कहने मतलब ये कि जो नदी नीचे की तरफ आ रही है ना, वो नदी मान लो इस डायरेक्शन में बहती हुई आ रही थी तो इसी डायरेक्शन में नहीं बहेगी, हो सकता है कि वो कुछ इस तरीके से हैफजर्ड वे में बट जाए, और इसी हैफजर्ड वे में बटने के चलते ये बड़ा सा कोन आपको यहाँ पे एक एल्यूवियल फैन में बनता हुआ नजर आता है। जिन जगहों पे ह्यूमिड इलाके होते हैं और जेंटल स्लोप होती है, जेंटल स्लोप मतलब कि स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है, तो जब बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है तो वहाँ पे पानी जिस स्पीड से बह के आ रहा है वो स्पीड थोड़ी कम होगी, और स्पीड थोड़ी कम होगी तो ये जो साथ साथ सिल्ट ला रहा है ना, ये सिल्ट बहुत आगे तक नहीं आ पाएगा, इसलिए जो यहाँ पे कोन बनेगा वो लो कोन होगा। वहीं पे जहाँ पे जो स्टीप है वो ज़्यादा होगी एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट्स में, वहाँ पे जो कोन बनेगा हाई बनेगा। लो और हाई कोन में ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइए, जितना आगे तक सिल्ट फैल के बड़ा कोन बना देगा, मान लो ये एक कोन हो गया, एक ये कोन हो गया, तो ये आप कह सकते हो क्या है, एक हाई कोन है, और ये जो आप कह सकते हो ये एक लो कोन है, ठीक है। हाई कोन में क्या हुआ कि स्पीड के चलते सिल्ट बहुत आगे तक जाके डिपॉजिट हुआ, तो एक बड़े इलाके में डिपॉजिट हुआ इसलिए आपने इसको हाई कोन बोला, और जब स्पीड कम है, जेंटल स्लोप है, तो ऑब्वियस सी बात है जो सिल्ट है वो छोटे इलाके में डिपॉजिट होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, लो कोन बोला जाएगा। ये जो एल्यूवियल फैन आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये बेसिकली एक हिल स्ट्रीम ने बनाया है ऑन इट्स वे टू अमरनाथ जम्मू एंड कश्मीर। तो आई होप आपको यहाँ पे एल्यूवियल फैन समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं डेल्टास की। डेल्टा भी बेसिकली एल्यूवियल प्लेन ही होते हैं, एल्यूवियल फैंस ही होते हैं, लेकिन ये अलग लोकेशन पे बनते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एल्यूवियल फैन माउंटेन से बनता नजर आ रहा है, डेल्टा कोस्टल इलाकों में बनते हैं, खासकर उस जगह पे जहाँ पे नदी जाके समुंदर में गिर रही होती है। आपको पता है कि नदी बहुत सारे सिल्ट और सेडिमेंट्स को लेके जाती है और वो सिल्ट और सेडिमेंट्स फाइनली समुंदर में जाके डिपॉजिट होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक चीज़ तो ये है कि वो नदी बहुत सारे सिल्ट लेके आई है, बहुत स्पीड से आई है, तो वो जो सिल्ट है ना वो समुंदर के बहुत अंदर तक जाके डिपॉजिट होंगे। दूसरा केस ये है कि नदी बहुत सारे सिल्ट लेके नहीं आई है और बहुत धीमे धीमे आई है, तो जब नदी बहुत ज़्यादा धीमे धीमे आई है और जो भी नदी का लोड है, जो भी नदी का सिल्ट है, वो बहुत ज़्यादा समुंदर के अंदर नहीं जा पाया है, कोस्टल इलाके के आसपास ही फैल गया है, तो फिर वहाँ जो कोन बनेगा वो ऑब्वियसली बात है क्या बोला जाएगा, लो कोन बोला जाएगा। लो कोन, यही वाला कंसेप्ट आ गया। मैंने माउंटेन्स में भी आपको बताया था कि स्टीप ग्रेडियंट है तो बहुत तेज बह रही होगी नदी, तो बहुत दूर तक वो सेडिमेंट्स को और सिल्ट को ले जाएगी, लेकिन अगर जेंटल ग्रेडियंट है तो नदी धीरे बह रही होगी, बहुत कम डिस्टेंस तक वो सिल्ट को लेके जाएगी। जब वो बहुत कम डिस्टेंस तक सिल्ट को लेके जाएगी तो छोटा कोन बनेगा, लो कोन बनेगा। उसी प्रकार से उन कोस्टल इलाकों में जहाँ पे सिल्ट समुंदर के पास आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा समुंदर के अंदर नहीं आ रहे, कोस्टल इलाके के आसपास ही फैल गए हैं, तो वो लो कोन बनाएंगे, और जब वो बहुत ज़्यादा समुंदर के अंदर घुस रहे हैं तो वो हाई कोन बनाएंगे।
अब देखिए, जो एक डेल्टा बनता है और जो एक एल्यूवियल फैन बनता है, उसमें बस एक ही फर्क है। डेल्टास में जो डिपॉजिट्स आते हैं उनमें बहुत क्लियर स्ट्रैटिफिकेशन होता है। मतलब डेल्टा वाले जो डिपॉजिट्स होते हैं वो आप सोचो पहाड़ों से लेके ओशन तक का वो रास्ता कवर करते हैं, तो वो बहुत घिस चुके होते हैं, उसमें एब्रेशन बहुत हो चुका होता है, तो वो ऑलरेडी बहुत फाइन सिल्ट में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके होते हैं। लेकिन माउंटेन में जो एल्यूवियल फैन बनाते हैं वो कोर्स डिपॉजिट्स होते हैं, वो बड़े डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है ना, पत्थर टाइप के होते हैं। लेकिन जो डेल्टा तक पहुँचेंगे वो क्लियरली स्ट्रेटिफाई हो चुके होंगे, बहुत फाइन सिल्ट में कन्वर्ट हो चुके होंगे। उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो डेल्टा में सबसे पहले जो रिलेटिवली ज़्यादा कोर्स मटेरियल है, रिलेटिवली जो ज़्यादा बड़ा है, सिल्ट से थोड़ा बड़ा है, वो पहले सेटल होगा और फाइनल सिल्ट और क्लेस ज़्यादा समुंदर के अंदर घुसेंगे और ये सिल्ट और क्ले जमा हो के समुंदर में भरेंगे। फिर आप देखिए डेल्टा के पास क्या होता है, डेल्टा के पास बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती नज़र आती हैं। जब भी कोई नदी ऐसे आ रही होती है, मान लीजिए ओशन है, तो यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ती हैं पता है? क्योंकि ये नदी जो सिल्ट लेके आ रही है ना, ये सिल्ट के जो बड़े बड़े हिस्से हैं वो कुछ कुछ जगहों पर जमा हो जाएंगे। जब ये जमा होकर वहाँ पर चोक कर देंगे ना, तो उस नदी की स्ट्रीम को दो भागों में तोड़ देंगे उस जगह पर। इसीलिए आप देखोगे कि जब भी कोई नदी अपने डेल्टा के पास पहुँच रही होती है, उससे बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज निकल रही होती हैं। उसका रीज़न ये होता है कि उस नदी के जो कोर्स डिपॉजिट होते हैं, जो बड़े डिपॉजिट होते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर पे जगह पे जमा होकर इतने बड़े हो जाते हैं कि वो उस स्ट्रीम को कई भागों में तोड़ देते हैं। अब ये आपको सुंदर बैंड डेल्टा नज़र आ रहा है, देखिए कितनी जगहों पे ये नदी का पानी टूट टूट के घुस रहा है बे ऑफ बंगाल में। क्यों घुस रहा है? क्योंकि आपको देखिएगा कि बीच में बहुत सी जगहों पर सिल्ट जमा हो रही है और जिस जगह पर सिल्ट जमा होगी वहाँ से दो स्ट्रीम निकल आएंगी नदी की, और ऐसी जाने कितनी जगहों पर सिल्ट जमा होगी। इसलिए छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज निकल के अलग अलग जाके बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी और इतना बड़ा डेल्टा बन जाएगा। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि डेल्टा के पास ये इतनी सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज छोटी छोटी क्यों निकल रही हैं। समझ गए? ये होता है लॉजिक कि भाई जब एक नदी किसी ओशन में गिरने वाली होती है तो उसमें से इतनी छोटी छोटी इतनी सारी धाराएं नदियों की कैसे निकल आती हैं। वो इसलिए निकल आती हैं कि जो कोर्स वाला सिल्ट है वो पहले डिपॉजिट हो जाता है और वो सिल्ट वहाँ पे एक्यूमुलेट हो होके इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो उस नदी को दो भागों में तोड़ देता है। ठीक है, अभी जिस नदी में जितना ज़्यादा फोर्स होगा और जितना ज़्यादा उसमें सिल्ट होगा, उतना ही सिल्ट समुंदर के अंदर घुसेगा और डेल्टा को बिल्टअप करता रहेगा, और डेल्टा कभी कभी बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो जाता है। इसलिए आप देखोगे कि बांग्लादेश में और इंडिया में जब ये सुंदरबंस डेल्टा बनता है तो इस सुंदरबन डेल्टा का इतना सारा सिल्ट जाके ओशन में जमा हो गया कि वो सिल्ट ने उस ओशन को भरसा दिया है और ज़मीन ओशन के ऊपर उठाई है। उसके ऊपर कई कई जगहों पर बहुत सारे पेड़ उगते हुए नज़र आ जाते हैं। इसीलिए तो इतनी तगड़ी बायोडाइवर्सिटी मानी जाती है एक पर्टिकुलर डेल्टा में। सुंदरबन डेल्टा को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है इकोलॉजिकली? कि जो सिल्ट निकल के आ रही है वो सिल्ट ओशन में जमा कर करके उसने ज़मीन सी बना दी ओशन के ऊपर। पहले वहाँ ओशन था बट सिल्ट ने जमा कर करके उस ओशन को वहाँ पर भर दिया, उसके ऊपर ज़मीन ऊपर निकल आई, पेड़ उगाए। तो आप समझ सकते हैं कि जो डेल्टा फॉर्मेशन है ये हज़ारों सालों का प्रोसेस है, दिस इज़ नॉट ईजी। फिर बात करते हैं फ्लड प्लेन, नेचुरल लेवीज एंड पॉइंट वार। इससे पहले वाली जो जस्ट वीडियो है उसमें फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लेवीज और पॉइंट वार्स मैंने बहुत ढंग से आपको समझाए, एक बार उनको और यहाँ पे देख लेते हैं। तो फ्लड प्लेन्स डिपोजिशन से बनते हैं, ये आपको पता है, ठीक है भाई। जैसे कि इरोजन से वैलियाँ बनती हैं, वैसे ही आपके डिपोजिशन से फ्लड प्लेन बनते हैं। बहुत लार्ज साइज जो मटेरियल है वो डिपॉजिट होते जाएंगे एक जेंटल स्लोप के ऊपर। फाइन साइज मटेरियल जब एक बहुत बड़े इलाके में फैल जाएंगे वहाँ पे आपका फ्लड प्लेन बन जाएगा। मैं फ्लड प्लेन आपको यहाँ पे फिर से नहीं समझाऊंगा। अभी फ्लड प्लेन में दो प्रकार के प्लेन होते हैं, एक होता है एक्टिव फ्लड प्लेन, एक होता है इनएक्टिव फ्लड प्लेन। इन दोनों के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। अब एक्टिव फ्लड प्लेन और इनएक्टिव फ्लड प्लेन में क्या फर्क है, इसके लिए आप आ जाओ इस पर्टिकुलर इमेज पे। इस पर्टिकुलर इमेज पे जो T4 आपको नीचे की तरफ दिख रहा है ना, जहां से एक्चुअली में नदी बह रही है, ये आपका है एक्टिव फ्लड प्लेन। और ये जो ऊपर चले गए T1, T2, T3 दोनों साइड पे, ये इनएक्टिव फ्लड प्लेन्स हो गए। मतलब ओरिजिनली जो फ्लड प्लेन बड़ा है वो बहुत बड़ा है, लेकिन उस ओरिजिनल फ्लड प्लेन में जब आप इरोजन कर करके रिवर ने वर्टिकल इरोजन किया और गड्ढे से बना दिए नीचे, तो जिस बेड पे पहले ओरिजिनली वो रिवर बह रही थी वो बेड नहीं रहा है, अब नीचे एक नया बेड बन गया। तो नीचे जो नया बेड बन गया है तो जो ऊपर उठा हुआ बेड है वो क्या बन जाएगा, वो इनएक्टिव फ्लड प्लेन बन जाएगा। समझ गए बात को? तो देखिए क्या लिखा है, द फ्लड प्लेन अबव द बैंक इज कॉल्ड इनएक्टिव फ्लड प्लेन। वही बात हो गई ना कि पहले मान लो ये पूरा का पूरा फ्लड प्लेन था, अभी इस फ्लड प्लेन में रिवर ने इरोजन किया और फ्लड प्लेन को नीचे ले आया, अब इस फ्लड प्लेन के ऊपर नदी बह रही है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो उठा रह गया ना, तो ये बन जाएगा इनएक्टिव फ्लड प्लेन।
समझ गए, ये एक्टिव फ्लडप्लेन बन जाएगा, बाद में थोड़ा और इरोजन होगा, ठीक है, यहाँ पहुँच जाएगा रिवर का लेवल, तो ये भी इनएक्टिव फ्लडप्लेन में बदल जाएगा, और ये बना देंगे रिवर टेरेसेस। तो ये जो रिवर टेरेसेस बनती हैं, यही बेसिकली इनएक्टिव फ्लडप्लेन्स हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अब एक्टिवली सिल्ट डिपॉजिट नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पे कभी कभी सिल्ट डिपॉजिट, वहाँ पे पहले के चैनल डिपॉजिट्स हैं, मतलब पहले जो रिवर आई थी उस रिवर के डिपॉजिट्स इन पर्टिकुलर इनएक्टिव फ्लडप्लेन्स में पड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन इनके पर कभी कभी डिपॉजिट्स आ जाते हैं, जैसे एकदम से बाढ़ आ जाती है, भी बाढ़ में कोई कंट्रोल पानी तो आता नहीं है, बाढ़ में बहुत सारा पानी एकदम से आ जाता है, फ्लड डिपॉजिट्स, तो बाढ़ में जब बहुत सारा पानी एकदम से आ जाता है तो बाढ़ में बहुत सारे सिल्ट एकदम से आ जाते हैं, और ये सिल्ट कहीं ना कहीं फिर इन उठे हुए लेवल पर भी डिपॉजिट हो जाते हैं, इसलिए इसको फ्लड डिपॉजिट्स कहा जाता है, ठीक है। तो बाढ़ का पानी इन फ्लड डिपॉजिट्स तक, इन कह सकते हो आप इनएक्टिव फ्लड प्लेन तक पहुँच जाता है। वैसे नॉर्मली जो रिवर का कोर्स है ना, वो रिवर तो वर्टिकल इरोजन कर करके अब नीचे की तरफ बहने लगी है, तो वो तो उस फ्लड प्लेन में इनएक्टिव फ्लड प्लेन में सिल्ट जमा नहीं कर रही। इनएक्टिव फ्लड प्लेन का मतलब ही यही कि अब नॉर्मल कोर्स ऑफ रिवर में वहाँ पे सिल्ट जमा नहीं हो रहा है, लेकिन एकदम से फ्लड आ जाएगा, एकदम से बहुत सारा पानी आ जाएगा, तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा और वो पानी का लेवल इनएक्टिव फ्लड प्लेन तक भी पहुँच जाएगा, तो वहाँ पे सिल्ट जमा होगा, लेकिन वो कभी कभी होगा, ठीक है। तो एक्टिव फ्लड प्लेन और इनएक्टिव फ्लड प्लेन के बीच का फर्क आई होप आप समझ गए हो। जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं उनको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, उससे क्या होगा ना कि मैं आगे की वीडियोस में इंप्रूवमेंट करूँगा। मैं तो अपने हिसाब से ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको स्किप हो जाएं, भाई समझाना है, पढ़ाई है, कुछ ना कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, तो ऐसे केसेस में आप मुझे बताओ ज़रूर कि आपको क्या चीज़ छूट रही है, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या लिख रहा है, प्लेन्स चैनल्स शिफ्ट लेटरली एंड चेंज देयर कोर्सेज ओकेजनली लिविंग कट ऑफ कोर्सेज विच गेट फिल्ड अप ग्रेजुअली सच एरियाज ओवर फ्लड प्लेन्स बिल्ट अप बाई अबेंडेंट और कट ऑफ चैनल्स विद सर्टेन कोर्स डिपॉजिट्स द फ्लड डिपॉजिट्स ऑफ स्पिल्ड वाटर्स कैरी रिलेटिवली फाइनल मटीरियल्स गेट सिल्ट एंड क्ले द फ्लड प्लेन्स इन अ डेल्टा आर कॉल्ड डेल्टा प्लेन्स। तो क्या बता रहा है, तो भाई ये बता रहा है कि प्लेन इलाके में जब नदी बह रही होती है तो हो सकता है कि पहले नदी का कोर्स कुछ ऐसा रहा हो, ऐसे बहते जा रही है। अब हो सकता है कि इस नदी ने यहाँ पे लैटरल इरोजन किया और इसने अपना कोर्स बदल लिया, तो अब नदी ऐसे बह रही है, इस डायरेक्शन में बह रही है। अभी इस डायरेक्शन में बह रही तो ये वाला जो इलाका था ये खाली छूट गया, इस इलाके में कहीं ना कहीं जो कोर्स मटेरियल है वो आके जमा हो जाएगा, और धीरे धीरे ये इलाका जहाँ पे पहले नदी बहती थी, एक खड्डा था, वो खड्डा धीरे धीरे यहाँ पे कोर्स डिपॉजिट से बढ़ने लगेगा। इसको बेसिकली आप कट ऑफ चैनल ही बोलते हो, कट ऑफ चैनल मतलब क्यों, क्योंकि पहले यहाँ से नदी बह रही थी, अब यहाँ पे नदी नहीं बह रही थी, ठीक है। फिर यही सब बातें बताई जा रही हैं कि जो स्पिल्ड वाटर होते हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर होते हैं, इनका जो फाइनल मटेरियल होता है सिल्ट है क्ले है, वो भी कभी कभी इन कट ऑफ चैनल्स में पहुंच जाता है। जब एक डेल्टा के पास फ्लड प्लेन बनता है तो वो डेल्टा प्लेन होता है। फिर यहाँ पे आपको पॉइंट बार्स दिखाए जा रहे हैं, ये पॉइंट बार्स नेचुरल रेवी मैंने पिछली बार आपको बहुत ढंग से समझाए। मैंने आपको बताया था कि एक नदी जब तेज़ी से आ रही है तो वो इस डायरेक्शन में तेज़ी से आ रही तो इधर इरोजन करेगी, जब वो इधर इरोजन करेगी तो कहीं ना कहीं जो इरोडेड मटेरियल है वो यहाँ पे एक लेयर्स में जमा होता जाएगा, और जब ये लेयर्स में जमा होता जाएगा इसको बोला जाएगा पॉइंट बार। यहाँ पे भी आप देखिए ऐसे ही पॉइंट बार बन रहे हैं। इन पॉइंट बार का अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिले तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ये नदी देखिए ऐसे बहती हुई आ रही, ऐसी गई, अभी जब ऐसी गई तो इसने इस पॉइंट पे इरोजन किया, और यहाँ पे जो वाइट रंग का इलाका दिख रहा है ना, दिस इज बेसिकली पॉइंट बार। इस प्रकार के पॉइंट बार बन जाते हैं। उसी प्रकार से आप यहाँ देखो, ये नदी ऐसे करके ऐसे गई तो यहाँ भी छोटा सा एक पॉइंट बार आपको बनता नजर आ रहा है, तो दिस इज बेसिकली पॉइंट बार। इस प्रकार से आपके पॉइंट बार्स बनते हैं और नेचुरल लेवी इधर बनते हैं। नेचुरल लेवी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो यहाँ देखिए, इस पर्टिकुलर जगह पे आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि ऊपर पेड़ उठे हुए हैं, लेकिन ये जो नदी का बहने का कोर्स है ना, इस कोर्स के चलते ये जो नदी इधर से बहती हुई आ रही है, इस कोर्स के चलते इसके एजेस पे बहुत सारी सिल्ट जमा हुई है। यहाँ पे जो जमीन है और यहाँ पे जो जमीन है वो जमीन ऊंची हो गई है, वो ऊंची जमीन इस समय पर आपको क्लियरसली नहीं दिख रही क्योंकि उस जमीन के ऊपर पेड़ उग गए हैं, ठीक है। लेकिन नेचुरल लेवीज क्या होती है, नेचुरल लेवीज ये होती हैं कि भाई इस बहती हुई नदी के किनारे पे बहुत ज़्यादा सिल्ट का डिपॉजिशन हो गया और वो सिल्ट का डिपॉजिशन एक अलग से उठे हुए माउंड की तरह नजर आ रहा है, तो इसको बोला जाएगा आपका नेचुरल लेवी। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको ठीक से समझाया था, वही लिखा हुआ है कि नेचुरल लेवीज एंड पॉइंट बार्स आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लैंड फॉर्म्स एसोसिएटेड विद फ्लड प्लेन्स। नेचुरल लेवीज लार्ज रिवर्स की बैंक पे नजर आती हैं, दे आर लो लीनियर पैरेलल रिजेस ऑफ कोर्स डिपॉजिट्स अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। मतलब अगर ऐसे स्ट्रीम बह रही है तो इसके बैंक पे ही मिलेंगी आपको नेचुरल लेवीज, ठीक है। और मान लो कि कल की डेट में इस को कट ऑफ चैनल में बदल दिया गया, यानी रिवर ने अपना कोर्स बदल लिया, तो वहां पे कट ऑफ चैनल में उठे हुए स्ट्रक्चर्स की तरह, उठे हुए माउंट्स की तरह नजर आएंगे नेचुरल लेवीज आपको, ठीक है।
उसी प्रकार से पॉइंट बार्स को कभी कभी मिएंडर बार्स भी कहा जाता है, कॉनकेव साइड ऑफ द मिरर। तो बेसिकली जब ऐसे चीज़ें घूम रही हैं तो ऐसे घूमने के चलते होगा ये कि बाहर की तरफ ओरिजन हो रहा होगा, तो अंदर वाली सरफेस को यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका क्या बोला जा रहा है, कॉनकेव साइड बोला जा रहा है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आई हैं। अगली बार में आपको मैं मेंडर से कंटिन्यू करूँगा। आई होप मैं जो कुछ भी आपको समझा रहा हूँ ठीक तरीके से आपको समझ में आ रहा है। जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, इरोजनल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स आसान नहीं है, इसलिए मैं आराम आराम से चीज़ें लेके चल रहा हूँ, टाइम लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा।